Hey everyone, welcome back to my channel, The Kitchen Roaster. तो आज हम एक स्वीट डिश बनाने जा रहे हैं जो कि है नारियल की बर्फी। चलिए तो फिर इंस्टेंट नारियल की बर्फी को बनाना शुरू करते हैं। चलिए तो हम देख लेते हैं किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है इसे बनाने के लिए। 250 ml हम दूध लेंगे, 150 ग्राम मिल्क पाउडर, 100 ग्राम नारियल का बुरादा, 100 ग्राम चीनी के साथ ही हमने इलायची को भी पीस लिया है। उसके बाद आप इसे छान लें। 2 टेबल स्पून घी, बोल में हम दूध ऐड कर देंगे। अब हम मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। अब हम मिल्क पाउडर को विस्क की हेल्प से दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिल्क पाउडर को हमें अच्छे से मिक्स करते रहना है जिससे कि कोई भी लम्स ना फॉर्म हो। दूध और मिल्क पाउडर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हमें एक हैवी बॉटम कढ़ाही लेनी है। कढ़ाही में हम 2 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। हमें फ्लेम को लो रखना है। हमने जो दूध और मिल्क पाउडर का मिक्सचर रेडी किया था उसे हम ऐड करेंगे कढ़ाही में। फ्लेम को हमें लो से मीडियम के बीच में रखना है और इसे आप कंटिन्यूसली चलाते रहें क्योंकि दूध में हमने मिल्क पाउडर मिक्स किया था तो वो नीचे चिपक सकता है। अब हमें पाउडर चीनी ऐड करनी है। चीनी को हम दूध में अच्छे से मिक्स कर देंगे। दूध को हमें सेमी थिक कंसिस्टेंसी पे लाना है। तब तक आप इसे चलाते हुए ऐसे ही पकाते रहें। देखिए तो मिक्सचर हमारा काफ़ी थिक हो चुका है। इसी स्टेज पर अब हम ऐड कर देते हैं नारियल का बुरादा। मिक्सचर अभी थोड़ा हमारा गीला लग रहा है तो इसे अभी हम थोड़ी देर और पका लेते हैं। देखिए तो मिक्सचर अब थोड़ा ड्राई हो चुका है और हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो आ चुकी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून पिस्ता, 1 टेबल स्पून बादाम। अब हम बर्फी के इस मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए तो यहाँ हमने एक फूड रैप ले लिया है। अब इस फूड रैप को हम घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम बर्फी का मिक्सचर ऐड कर लेते हैं और बर्फी के इस मिक्सचर को हम अच्छे से इवन कर लेंगे। बर्फी के ऊपर भी हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं। अब हम बर्फी के मिक्सचर को 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में जिससे कि वो अच्छे से सेट हो जाए। देखिए तो हमारी बर्फी सेट होकर तैयार है। तो इसे अब हम पीसेस में कट कर लेते हैं। देखिए तो हमने बर्फी को कट कर लिया है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए तो हमारी इंस्टेंट नारियल बर्फी बनकर बिल्कुल तैयार है। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे कि हमारे चैनल से जुड़ी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।